नाम हम कल डिसाइड करेंगे। इसे आंख मारा, इसका नाम है अब पता चल गया। अब इसका नाम क्या रखना था? कैसे हो? खुश कितना हो गई ये खुशी। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी आने वाला है हमारा डॉगी, कौन सा होगा अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मतलब वो आ रहा है सहारनपुर से और देहरादून पहुंचने में अभी उसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। मतलब देहरादून पहुंच चुका, अभी कॉल आई थी, तो मतलब कि 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो मैंने सोचा फटाफट मैं रेडी हो गया हूँ और मेघा से स्कूटी लेके आता हूँ और उसके बाद लेके आते हैं अपने प्यारे से डॉगी को। और उसका नाम भी हमने सोच लिया है और थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। पहले डॉगी आएगा, उसी के बाद हम नाम भी रिवील करेंगे। सीरियसली गाइस, इतना इंतज़ार कर रहा हूँ ना, मतलब इतनी खुशी हो रही है अंदर से। एक्साइटमेंट लेवल तो एकदम यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ समझ रहे हो कितने दिनों से आप देख रहे हो, एक से दो महीना हो गया वेट करते करते, अब यहाँ पहुँच चुका है। अब बस थोड़ी देर में आ जाएगा, तो चलते लेके आता हूँ चाबी। तो गाइस, डॉगी तो अभी 4 किलोमीटर और दूर है, तो मैंने सोचा तब तक वो बेचारा भूखा आया होगा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत फूड ले लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। कम से कम उसने 110 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो मैं सोचा फटाफट उसके लिए लेके आ जाता हूँ जब तक वो पहुँचता है यहाँ पे। तो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 1:30 बज गए हैं और वीडियो भी जस्ट अपलोड हुई है, बट मेरा ध्यान अभी डॉगी में ही है। तो मैं और रोनी यहाँ पे बैठे हैं, कब आएगा, क्योंकि अपनी लोकेशन दे रखी हमने और पता नहीं कब आएगा, है ना। कितना टाइम हो गया ना, कैसे वेट कर रहे हैं गाइस, 2 दिन से वेट कर रहे हैं। तो कभी कुछ डील हो जा रहा है, कभी कुछ। अभी एक्साइटमेंट लेवल यहाँ तक पहुँच गई है, सर से ऊपर जाने वाली है, बहुत ऊपर से एक्साइटमेंट लेवल। मतलब पास में ही है, बस नजरें ढूंढ रही है, यही कहीं आस पास है जो पेट्रोल पंप में है ना, वहाँ पर से ही पास में ही आने वाला है। और बस अभी नंबर भेजे जा रहा, तो वही एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती जा रही है, कब आएगा कब आएगा। और कॉल आ गया, अभी लेके आया हूँ मैं डॉगी को। अब देखते हैं इन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। खोलो खोलो, मेरे हाथ भरे। क्या कर रहे हो? बातचीत। रील वील बना रहे हो क्या? रिंग लाइट खोल लगी है। क्या है वो? कुछ है मेरे पास। हाथ में क्या दिखा? है कुछ मेरे पास। दिखा दिखा। अरे दिखा ना। क्या हो सकता है गेस? कल भी लेके आया था मेरे को सरप्राइज। कल तो टेडी बियर। कल तो मैं लेके आया था ना गुड़ पपड़ी। कल गुड़ पपड़ी लेके आया था। टेडी बियर लाया ना? ना, मैं लेके आया एक मस्त सा टेडी बियर। हाँ दिखा, कितना बड़ा है ये? क्या है ये? दिखा ना, दिखा। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे अरे कितना प्यारा है। एटलीस्ट आ गया और बताया भी नहीं। तो स्मृति तो कॉलेज गई थी ना, कितना प्यारा है। देखो ये देखो, कितना प्यारा छोटू सा। नई जगह है ना, उसके लिए इतना सारा ट्रैवल करके आया है। 110 किलोमीटर ट्रैवल करके आया है। इतना जल्दी? अच्छा, चू 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 चू। कैसे देख रहे हैं? देखो उल्ले। कौन सी ब्रीड है बताएं? जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड नहीं, जर्मन शेफर्ड का लोग होता है। आपने इसका नाम पढ़ लिया? नाम हम कल डिसाइड करेंगे। आप पढ़ रहे हैं ना? आँख मार रहा है स्मृति को। इसे आँख मार रहा है, इसका नाम है अब पता चल गया। अब इसका नाम क्या रखना था? मैं बताऊँ? इसका नाम रखो रोमियो। रोमियो। स्मृति नाम कैसा लगा? रोमियो अच्छा है, थोड़ा सा जेंटल नेम है। रोमियो आँख मारी ना उसने इसीलिए। अब बड़े होके इसको बू पहनाएंगे, इसको हम इसके लिए कपड़े भी बनाएंगे। By the way guys, ये है गोल्डन रिट्रीवर। यार संदीप भी कितना छोटा सा, मुझे लगा था थोड़ा बड़ा आएगा, बट ये बहुत ही छोटू सा नहीं है। अरे मैं बड़ा ले लेता मैं, लेकिन उसमें क्या सीधी बड़ा होगा तो मजा नहीं आएगा ना, छोटे से स्टार्ट होगा। कितना प्यार। हेलो डॉगी, कैसे हो? ठंडी लग रही है। कैसे हो? खुश कितना हो गई ये खुशी। डॉगी कैसे हो? रोमियो रोमियो। अब इसके लिए और एक जूलियट, जब वो बड़ा हो जाएगा ना, इसके लिए जूलियट ढूंढ के लाना, इन दोनों की शादी कर देना। तो वे देख हंस रहा हो है ना, खुशी देखो। खुशी लड़कियों के पास आके आंख भी मार रहे हैं। रोमियो पैदा होते ही तुम लड़कियों के पास चले गए। वो देखो आंख भी मार रहे हैं। और खुश कितना हो रहा है? दीदी के पैर में दर्द हो रहा, नहीं तो दीदी तुम्हें घुमा के लेके आती बाहर। इसका शॉर्ट चैनल खोलो ना शॉर्ट। अरे मेरे पास एक आईडिया है गाइस, इसका नाम कैसा लगा पहले बताना। रोमियो 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 की किस आती ना आंख मार दी स्मृति को। ऊपर से मेल है और ऊपर से गोल्डन रिट्रीवर है, तो उनका जो वो होता है प्लेफुल। पहले से कल रात से मैं सोच रही थी कि इसका नाम रोमियो, उस टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा था ना, बट मैंने रोमियो सोचा, मैंने कहा रोमियो ये इसको यूनिक सा नाम है।
हंस रहे हो तुम कैसे हो? स्कूबी यूट्यूब को हाय बोलो, हाय बोलो स्कूबी यूट्यूब को। बहुत क्यूट है गाइस, ये बहुत प्यारा, आपको कैसा लगा ये? वही ना, प्यारा लग रहा ना। रोमियो, रोमी, रोमू। हेलो डॉगी। मैं इसकी एक बार आरती उतार देती हूँ, ठीक है? मेरे पैर में थोड़ा दर्द है अभी, नहीं इसकी कल वो करेंगे ना पूरा अच्छे से। अभी इसकी आरती उतार देती हूँ, इसकी नजर लगी होगी जितनी भी हो सब उतार जाए। हाँ, नजर उतार लो इसकी। ये गाइस अभी 28 दिन का है और कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। इधर देखो रोमियो, हेलो हेलो करो कैमरा को, कैमरा को हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। अभी इसका रियल लुक नहीं आ रहा क्योंकि लैब्राडोर क्या होता है, जब मैं यूट्यूब लेके आया था तो उनका पहले से ही लुक होता है ना, आपको पता ही होगा। लेकिन गोल्डन रिट्रीवर का क्या होता है कि उनका स्टार्टिंग में ऐसा लुक होता है, फिर धीरे धीरे उनका लुक आएगा, यानी कि कम से कम 4-5 हफ्ते लगेंगे। इसको ठंडा रख दे, यहाँ पर रख दो। तो कल जो मैंने रोज दिया था वो यूज़ हो रहा है और ये टीका ही लेकर आ गई है। इसको नज़र उतार देना यार, क्योंकि मेरे रूम में मंदिर अंदर भी नहीं है ना। ये रोमियो खूब अच्छे रहना, हाँ कितना प्यारा लग रहा है, खूब सक्सेस करना, खूब बड़ा हो जाना, कितना क्यूट, खूब ताकतवर होना, हाँ प्यारे भा। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। तो अभी इसकी आरती भी हो गई है क्योंकि इसको नजर उजर लग गई होगी ना, कितने दूर से आया होगा तो नजर उतार गई है ना रोमियो। अभी शांत ही है, अभी शांत ही है, हाँ थक रखा ना क्योंकि बहुत ट्रैवल करके आया है। इसको मैं पूरा रेस्ट करवा के लेकर आया, जब से आया उसका रेस्ट करा कम से कम 3-4 घंटे, उसके बाद फिर मैंने 5:30 हो गया आ जाता हूँ। तब हो रहा फोटोशूट। तो अभी रोमियो की पूजा वूजा भी हो गई है, अभी मस्त करके सो गया है। ये इसने मेघाने दे दिया था क्योंकि इसको हल्का हल्का ठंडा जैसा हो रहा था ना, कभी गर्मी हो रही कभी ठंडा। मेरे कपड़े लेके चले गए थे दिन में कि मेरा डॉगी आने वाला है, तो अब तुम्हारे पास जो भी है वो दे दो। अब मेरे पास इतनी प्यारी चादर थी वो मैंने इनको दे दी क्योंकि सिंगल बेड की चादर थी वो। कभी ठंडा हो रहा है इसको, कभी इतनी गर्मी हो जा रही है तो हाँफने लग जा रहा है, कभी ठंडा सीधे उतर दे खाने लग जा रहा है। तो ऐसा ही है, बाकी कमेंट करके बताना। मैं इसका शॉर्ट वीडियो शॉर्ट चैनल खोलने वाला हूँ क्योंकि अभी सभी यूट्यूबर खोल रहे हैं, तो मैं सोचा मैं भी शॉर्ट चैनल खोल देते हैं। हाँ थोड़ा है, मतलब जो लुक आता है ना गोल्डन रिट्रीवर का कम से कम 10-15 दिन तो लगेंगे क्योंकि इसको 45 डेज में एक इंजेक्शन लग जाएगा। अभी है 28 का, तो इसके अकॉर्डिंग इसके बर्थडे तक तो ठीक हो ही जाएगा। तो शायद मैं अभी मतलब 1-2 दिन में ही खोल दो या मैं आपको बता दूंगा। बाकी कमेंट करके बताना अगर शॉर्ट चैनल देखना चाहते हैं तो, जिसमें इसका नाम रोमियो ओपी होगा। मस्त नाम है, यूनिक है। चलो तुम ध्यान दो, ठीक है मैं बाकी मैं इसको लेके चलता हूँ। चलो डॉगी बचाना, अगर नहीं हो पाता तो हमें दे जाना। अरे मैं कर लूंगा, मैंने 2 डॉगी तो पाली रखे, इसका ख्याल रखना। हाँ, एक दिन हमें भी दे जाना इसको, है ना, मन कर रहा है इसको पकड़ने का। संडे को तुम लोगों की छुट्टी है, संडे को रख जाऊंगा। ओके डॉगी चलो। तो गाइस चलते हैं अब मेघालय के वहाँ से, और मतलब क्या मजा आया यार आज का दिन, मतलब क्या ही ऑसम था। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो यार। जैसे आपने स्कूबी को प्यार किया, यूट्यूब को प्यार किया, उसी तरह से हमारे छोटे से क्यूट से रोमियो को भी प्यार करेंगे, जो कि आपको बहुत ही फनी हरकतें करके आपको हंसाएगा, आपको खुश करेगा, आपका दिन एकदम ऑसम बना देगा। रोज आपको वीडियो दिखाएंगे इसकी। और गाइस यार कमेंट करके बताने कि शॉर्ट वीडियो का शॉर्ट चैनल का आइडिया कैसा है, मतलब हम देखते ही आप देखते हैं कि शॉर्ट वीडियो तो हम डालते ही हैं, बट मैं सोचा हूँ कि हमारे जो गोल्डन रिट्रीवर है रोमियो उसका एक अलग से शॉर्ट चैनल बनाएं जिसमें आप रेगुलर रोज के 2-3 शॉर्ट वीडियो तो देख ही पाएं। और बस आप इसी तरह से प्यार करते रहिए रोमियो को और ब्लेसिंग दे दिए कि ये अच्छे से रहे, खुश रहे, और बाकी देखते हैं जिस दिन ये यूट्यूब और स्कूबी से मिलेगा
तो क्या ही औसम दिन होगा यार वो। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग एकदम औसम लगा हो। अगर लगा है तो यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल में तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और यार कमेंट जरूर कीजिएगा अपने अच्छे अच्छे जो भी ब्लेसिंग है या कैसा लगा आपको रोमियो। अभी तो छोटा ही है 30 डेज का, बाकी इसका जो रियल लुक है ना वो कम से कम आपको 1 महीने के बाद ही दिख पाएगा। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।